शकु जरा वो सब्जी देना। इसे कोई कहो मैं इससे बात नहीं करती। शकु मैं दिल से माफी मांग रही हूँ तेरी। शकु नानी माफ कर दीजिए, मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगी। मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ शकुनी, तू प्लान में शामिल थी और वो फोकट का खाखरा बाइक वाला विदुर, उसने प्लानिंग की थी। तो जो प्लान में शामिल होता है और जो प्लान बनाता है दोनों बराबर के गुनेगार होते हैं ना। अच्छा हाँ, तो फिर तू अपना इल्जाम फरजाना पे क्यों डालती है? कैसा इल्जाम? खाना खराब बनता है तो फरजाना है? इसमें कंचन दीदी का कोई कसूर नहीं है, खाना तो इस कनीची गलती से ही बुरा बनता है। वेरी गुड। अरे क्या वेरी गुड? अरे 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 तेरे लिए लड़ रही हूँ मैं और तू है कि चमची है तुझकी, एक नंबर की चमची है। अरे तेरे पे तरस तो खाना ही नहीं चाहिए। उठ उठ अभी के अभी जा और मेरा जो हेयर पिन है वो लाके दे मुझे अभी के अभी। ये बात है तो तू एक काम, मैंने तुझे जो हेयर पिन दिया था ना वो वापस कर अभी के अभी जा। वाह 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 वाह, दाल और तड़का मिलके फट से एक हो जाते हैं। अरे गैंग बना लेते हो तुम लोग। तुम सब ये बहस बंद करोगी? एक मिनट भाई, क्या गैंग बना लेते हैं? हम लोग लड़े मरे कुछ भी करें, तू हम दोनों के बीच में क्यों आती है? क्यों हम दोनों के बीच में फूट डालना चाहती है? अरे मेरी बजरंग बली, मैं बीच में फूट नहीं डाल रही हूँ। मैं इसको समझाओ, आप इसे समझाओ कि हम दोनों के बीच में ना बोले। बस बच्चों की तरह क्यों झगड़ रही हो तुम लोग? हम सब खाना खाने बैठी है ना, तो शांति से खाओ। शकु ये दाल ट्राई करके देखी, बहुत अच्छी बनी है। मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूं। ये सब कब तक ऐसे चलेगा? आत्मा जो है वो कभी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती, आत्मा का काम ही होता है बोलना। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा।